आज से 17 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बिछुम नदी पर 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन लेट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को नेपको द्वारा निर्माण किया जाना था। उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर सुरेश प्रभु द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत से पहले कम से कम 10 गांवों के लोगों को काफ़ी सारे वादे किए गए थे नेपको और राज्य सरकार के द्वारा, और आज पूरे 17 साल बीत जाने के बाद भी गाँव वाले उन वादों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। गाँव वालों के मुताबिक नेपको और राज्य सरकार ने पक्की सड़क, स्कूल, अस्पताल और नौकरी देने के वादे किए थे। उसी समस्या को करीब और अच्छी तरीके से जानने के लिए अरुणाचल टुडे टीम आज आ पहुंची है प्रोजेक्ट अफेक्टेड गांवों में। नमस्कार सभी को, अभी मैं हूँ वेस्ट कामेंग टीपी के पास, जहाँ आप देख सकते हैं एक साइड में हाईवे बना हुआ है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब वे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट रोड, जो कि 2004 को काहेब 600 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ से पिंजुली टू पिछुम के लिए रोड कटिंग किया गया था। तो अभी हमारे साथ उसी सिलसिले में हम बात करेंगे तोजी खांडू जेबिसो, जो कि अका एलआई सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र भी है और साथ ही प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन भी है। चलिए उनसे जानते हैं ये रोड के बारे में थोड़ा। सर, ये जो रोड है पिंजुली टू बिछुम जो अभी प्रोजेक्ट रोड है, तो उसके बारे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए सर। हाँ, तो फिलहाल जो आप देख रहा है ये पीछे जो हमारा पीछे रोड है, ये रोड एक्चुअली आप ये भी देख सकता है कि ये BCT रोड है, यानी बलीपरा चारद्वार तवंग रोड है, ये स्टेट हाईवे है। तो यहाँ से डाइवर्ट किया गया है ये काहेब 600 मेगावाट नीपको प्रोजेक्ट के लिए। तो 2002 में ये इनॉग्रेशन हुआ था नीपको प्रोजेक्ट, और 2004 में इसका रोड कटिंग शुरू हुआ। तो अभी 15 ईयर्स हो गया आज का दिन में 2019 में, रोड वैसा का वैसा ही है और अभी तक भी इनिशियल स्टेज का जैसा ही है। तो हम लोग का जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड आदमी लोग, हमारा ये मांग था कि कम से कम ये रोड जो है इन्होंने कटिंग किया है, इसको कम से कम मतलब पक्का रोड बना देने के लिए अभी 15 ईयर्स से हम लोग का ये मांग है, जो कि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। तो बस ये तो शुरुआत है प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट जहाँ साइट होगा, डैम जहाँ होगा, इसका शुरुआत रोड है। ये जगह का नाम है पिंजुली रोड, पिंजुली एरिया, और ये पिंजुली रोड इसको कहा जाता है, और डैम जहाँ बना है वो बिछुम। तो यहाँ से लेके डैम एरिया, जो डैम जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है वो एरिया तक होता है लगभग 92 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तो बस शुरुआत है, अभी हम आगे चल के देखते हैं रोड का कंडीशन क्या है। हम अरुणाचल टुडे टीम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं काहेब, जो कि 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम प्रोजेक्ट चल रही है ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम जस्ट शुरुआत में है, जो ये रास्ते आप देख सकते हैं उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2004 को, और आज है ये साल है 2019, मान लीजिए 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन रास्ता का कंडीशन देखिए। ये हम नहीं कहेंगे ये किस कौन बना रहा है या किसने शुरुआत की, लेकिन कंडीशन अगर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो नेपको है डैम जो बना रहे उनको हम ब्लेम करें या किसको ब्लेम करें। और साथ ही हमें लाइक रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता लगा कि यही रूट से करीबन 7 से भी ज़्यादा गाँव के लोग गुजरते हैं। और अभी मैं बता दूँ क्लियरली कि जो मेन हाईवे है और ये भालेपुंग टू बोमदिला वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी लोग जो ट्रैवल करते हैं भालेपुंग टू बोमदिला या दिरांग या तावांग, वो ये रूट को लाइक यू नो पकड़ते हैं, यही रूट को यूज़ करते हैं। तो ये रूट भी आप देखिए, ये रास्ता किस तरीके से अभी जैसे मानसून चल रहा है तो रास्ता इतना ख़राब कंडीशन में है कि अगर कुछ हो जाए तो कौन रिस्क लेगा, कौन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अभी आप नीचे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा नीचे दिखाइए, क्योंकि अभी 2004 से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और स्टिल दी कंपनी बोलिए या स्टेट गवर्नमेंट बोलिए या कंसर्न अथॉरिटी, वो अभी तक फाउंडेशन वाल ही उठा रही है। अभी हमें किमी विलेज, जो कि वन ऑफ दी विलेज पड़ता है अफेक्टेड है, जो काहेब प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का चल रहा है वेस्ट कामेंग पे, तो इनके विलेज के हेड से हम जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं क्या क्या तकलीफ से गुजर रहे जब से ये नेपको का डैम बना है, और क्या क्या फ़ायदा हुआ है इन्हें यहाँ के विलेज के लोगों को। सर आपका नाम बता दें। अच्छा, मेरा नाम दोर्जी जबिसो, मेरा यहाँ का हेड गम्बरा किमी। तो उसका बाद
हम लोग को जैसे हम जो गमरा जो मेरा 1988 का है तो वो लोग आया है निपो लोग आया है तो 2001 में आया 2001 में आके हम लोग को बोला है हम लोग का ये एफिडेट वाला हम लोग को बोला है कि हम लोग आने से आप लोग पूरा अच्छा हो जाएगा तो हम लोग सोचा कि अच्छा होगा बोल के हम लोग सोच के बैठा है वो लोग को हम लोग इतना कबारे करते हैं तो वो लोग हम लोग को कुछ भी हम लोग खड़ा नहीं दे रहा है अभी हम लोग का ऐसे प्रॉब्लम है हम लोग का यहाँ में कोई डेवलप नहीं कर दिया है कुछ हम लोग का घर वर भी देखिए और प्लस हमारा ये रोड को देखिए हमारा ये आपका ये रास्ता जो ब्रिज व्रिज नहीं बनाता टेंडर कहाँ कहाँ करता है अभी जैसे कि करीबन 20 साल हो चुका है तो आप एज ए हेड ऑफ द विलेज बस्ती का हेड होने नाते आप क्या जैसे कि आप लोगों का क्या डिमांड है नेपको से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगा और आपका क्या डिमांड है हम लोग का डिमांड ये है कि पब्लिक हम लोग का एफिडिक हम लोग का डिमांड है कि आपका ये रोड हम लोग को रोड किला चाहिए ब्लैक टॉपिंग हो जाना चाहिए आपका ये जो ब्रिज जो बनाया है वो क्लियर हो जाए क्लियर कर देने से अच्छा है हम लोग वही मांग रहा है प्लस हम लोग का ये जॉब हम लोग का जॉब ये जो आपका नौकरी का बारे में हम लोग उसको मांग रहे हैं ये तीन चीज़ हम लोग को इमरजेंसी हम लोग को चाहिए बोल के ये तो खिमी मोर गाँव मोर ये तो मोर बाई बिला बाईटी बिला याते बहे ये तो एनेकुआ से अमर खिमित 91-92 पुरा लय याते निको प्रोजेक्ट होबो होबो बुली खय किंतु सब मानो भाई दुनिया ओ गरीब हो ना दुखिया हो भाल होबो बुली आमी आहा करिसु किंतु हुआ नै अमर की मदद दिसे अमर एतु गोरतुसा एनेकुआ होय बही आसे मय बुरा मानो मय जुआन टाइमते ए निकोड आहिसे मय ते बुरा होय मुरी बोलो होइसे की होइसे ए निको कंपनी आएगा बोल के हम लोग को बोला था उस टाइम में तो हम लोग जवानी था तो हम लोग तो सोचा था निको कंपनी आने से हम लोग को खानदान अच्छा बाल बच्चा जितना है सब अच्छा होगा गरीब जितना है धनी जितना सब अच्छा होगा बोल के हम लोग आशा में बैठा था लेकिन अभी निको कंपनी आ गया आने के बाद तो हम लोग देखिए हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है काम शाम भी नहीं मिलता है जो काम शाम मिलता है काम तो देता है लेकिन जो बाहर बाहर का जो आदमी लोग आएगा उन लोग पैसा देगा उन लोग का काम उन लोग को देता है हम लोग ये हम लोग एफेटिक एरिया हम लोग को खुद खिमी एरिया में कोई किसी को काम नहीं मिलता है और जैसे कि अभी हमने मिले यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बात किया और अगर मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है करीबन 20 साल होने को आया है और जहाँ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेकर यहाँ मैं बता दूं यहाँ पे इंटरनेट ठीक तरीके से काम नहीं होता है और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक मेडिकल तक भी नहीं है अगर कुछ सीरियस इशू भी होता है हेल्थ को लेकर यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है भालेपुंग जो कि नियरेस्ट पड़ता है लेकिन रोड कनेक्टिविटी की वजह से करीबन 2.5 से 3 घंटा लगता है और अगर जाए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोमदिला पे तो वहाँ भी करीबन 5 से 6 घंटा लगता है तो मैं एज अ ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ के विलेजर मैं इतना ही जानना चाहूँगी यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी से कि जब डिजिटल इंडिया बात कर रहे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तब यहाँ पे कब कनेक्टिविटी आएगा यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनका जो प्रोमिसज नेपको की तरफ से दिया गया था वो कब फुलफिल होगा अभी हमें कूफी बस्ती में जो कि वन ऑफ द इफेक्टेड विलेज है नेपको जो काहेब 600 मेगावाट को लेकर जो इफेक्टेड एरिया है वन ऑफ द विलेज है तो अभी हमारे साथ है यहाँ के कुछ बस्ती के लोग और साथ ही यहाँ के विलेज के हेड चलिए उनसे सीधे जानते हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं उनको लाइक नेपको डैम जब से आया यहाँ पे जब काम शुरू हुआ उन्हें क्या क्या तकलीफों को फेस करना पड़ा और क्या फ़ायदा भी उन्हें मिला तो चलो सीधे चलते हैं सर आपका नाम बताइए मेरा नाम दिलो सक्सा है और मैं ये
कामिंग हैंडल प्रोजेक्ट का एक अफेक्टेड बस्ती का है, खुपी का है। और जब से निपको आया है तब से निपको का साथ ये बस्ती का माने हम लोग का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है उन लोग का तरफ से हम लोग बहुत बातचीत चल रहा है। तो फिलहाल आपको मीडिया को मैं थैंक्स देता हूँ कि बहुत दिन के बाद आप लोग ने इसको कवरेज ले रहे हैं। आशा है हम लोग का जो पॉइंट आप लोग आगे तक ले जाएगा। जैसे कि अभी हम किमी जो बस्ती है वहीं से हम गुजर के आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो बुज़ुर्ग थे उनका भी ये कहना था कि जो नेको यहाँ आने पहले उन्होंने कुछ वादे किए थे, तो जब जो वो ये वादे चल रहे थे तब वो आप थे वहाँ पे और क्या क्या वादा किया आप लोग से उन्होंने? हाँ, वादा तो बहुत किया है उन लोग ने। हम जब से उन लोग ने यहाँ से जब इनिशिएट प्रेस में ही था तो वादा तो बहुत किया, मैं रास्ता बनाना, नखरी देना, यहाँ तक बोला कि मतलब निपको आएगा तो निपको वाला पैसा के बौछार कर देगा, कम्युनिकेशन होगा, स्कूल होगा, वो होगा, मैंने काउंटलेस मैंने उन लोग ने पॉइंट दिया था। तो हम लोग ने उन लोग का एक भरोसा किया कि जब निपको आए तो इतने बैकवर्ड में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोला तो बहुत कुछ होगा बोल के हम लोग ने उसको किया था। पर आज तक जहाँ तक अभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ना रास्ता बना, ना स्कूल बना, ना नौकरी दिया, जैसे उन लोग ने ऐसे अच्छा खासा एक तो बुद्धू बना दिया हम लोग को। और जैसे कि अभी मैं यहीं कुपी में है, अभी ये रास्ता है जैसे कुपी टू खिमी, इतना ख़राब रास्ता है कि मैंने एक्चुअली आप लोगों को मैं बता, आज पहली बार है कि ये खुपी और खिमी का जो प्रोजेक्ट बना रहा है हम लोग ने विदाउट कंपेंसेशन में बनाने दिया था। वो क्या किया नहीं कि हम लोग को उन लोग ने फॉरेस्ट का लेने बोल के हम लोग ने, अगर ये बात पे हम लोग चर्चा नहीं किया उन लोग हम लोग को नखरी देगा बोला, इसलिए हम लोग ये सब बात को अभी तक पुठा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर इतना मैंने इतना होते हुए भी उन लोग ने हम लोग का साथ जितना लिखा लिखी हुआ है एक भी सक्सेस नहीं हुआ आज तक। मेरा नाम दिब्रू दुसो है, हम अखाई लाइट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी है और ये जामिनी बस्ती भी तो एक ये कमिंग हाइड्रल प्रोजेक्ट में इफेक्टेड है। और हम लोग का ये डिमांड था कि 2002 से जब यहाँ नेपको आया, हम लोग एक आशा था कि नेपको आने से हम लोग का ये एरिया बुरा गांव जामेरी कुपी ये एरिया जो इफेक्टेड एरिया एक अच्छा होगा। बीचम से लेकर ये हम लोग का बुगुन समाज भी है और उसमें आका समाज भी है, मिलकर हम लोग बहुत अच्छा एक फाइनेंशियली अच्छा इम्प्रूव होगा सोचा, लेकिन हुआ ही नहीं। और एक तो हम लोग को इतना डिप्राइव किया कि रोड कम्युनिकेशन इतना ख़राब है बनाता नहीं, और एक तो हम लोग का मेन डिमांड था कि नौकरी का, और नौकरी भी तो हम लोग जितना डिमांड करता देता नहीं एक तो, और एक तो यहाँ ऐसे हुआ कि जो नेपको ऑफिसर्स तो हम लोग को झूठ पर झूठ बोलते गया, जो हम लोग गवर्नमेंट लेवल तक ले गया, ये सीएम और सीएस का लेवल तक ले गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी हम लोग तो यही चाहता है कि हम लोग का एरिया में इफेक्टेड जो जितना गरीब लोग को एक छोटा सा नौकरी मिलने से अच्छा बोल के वो नौकरी का डिमांड दिया था, वो भी एक भी नहीं फुलफिल नहीं किया। और रोड जो है उन लोग जहाँ बस्ती बैठा वहाँ टाइमली एडवांस उन लोग ब्लैक टॉपिंग कर देगा, वो भी नहीं किया उन लोग। दिल्ली से ले करके किमी, नंबर वन किमी, दो नंबर में आपका कुपी, तीन में टेंगा डैम, चार में गोहायतान, पाँच में खुशी गांव, छः में जामेरी, सात में मरक्का, आठ में बुरा गांव, नौ में यायोंग, दस में बीचम, इतना दस बस्तियों जो है आपका इफेक्टेड एरिया पड़ते हैं। जो दुख दराज जो है पहले भी सुनाया, अभी भी यही चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग है वो फुलफिल अगर जब तक भी नहीं करेगा तब तक के लिए हम लोग ये आपका कमीशन करने नहीं देंगे। यही सब हमारा इफेक्टेड के जितना लोग है, ये हम लोग का पूरा दुख की ऊपर हम लोग ये कह रहा है कि हम लोग को चाहे जेल ले जाए, चाहे मार दो, या चाहे जो भी करो, हम आने वाला ये भविष्य आने वाला जो पीढ़ियों के लिए अभी कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी ये नहीं सुविधा नहीं मिला है, तब तक के लिए अभी हम लोग का जो मांग है यहाँ पर चार तीन पॉइंट है, वो जब तक नहीं करेगा तब तक के लिए हम लोग जो स्ट्राइक करेंगे, और चाहे गवर्नमेंट जेल ले जाए, चाहे जो भी मारो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे ये।
मेरा नाम नोरबू सिदासो यायुंग विलेज आर एन आर यायुंग। इस ये जगह ये एरिया जो है बहुत डेंजर है। ये डैम से लेकर अभी आर एन आर विलेज जाने का रास्ता जो बहुत डेंजर है। ये जो भी एनी टाइम ये पानी ये रिजर्वर एरिया उसमें जो अगर पानी भरेगा ये रास्ता को भी पूरा ब्लॉक हो सकता है। और इसके बाद में ये रास्ता जाने का रास्ता नहीं है अभी बस्ती मतलब आर एन आर यायुंग विलेज जाने का रास्ता कोई नहीं है। इसके बाद में ये और भी ये जो हमेशा हमेशा के लिए मतलब बारिश गिरेगा रास्ता ब्लॉक होते रहेगा और लाइन साथ में पास ये पानी भरेगा हवा लगेगा इसके बाद ये रास्ता तो बंद ही हो जाएगा। ये बोला है कि बस्ती वाला जो है ये बोला है कि हम लोग को ये उसको जो वाल चाहिए और इसके बाद में सोलिन चाहिए वाल चाहिए रिटर्निंग वाल चाहिए सोलिन चाहिए ब्लैक टफिन करा दो मतलब रिहेबिलिटेशन आर एन आर तक 1 किलोमीटर है उसको मतलब सोलिन मेटिलिन ब्लैक टफिन पूरा पका रोड बनाना चाहिए। तो आप लोग की तरफ से जब ये रिप्रेजेंटेशन नेपको के आगे में रखा था उनका रिएक्शन क्या था रिप्लाई क्या था उनकी तरफ से? तो निको वाला बोला कि कर देगा बोलता है। अभी जो डीपीआर जो एस्टिमेट जो बना कि मतलब जो शामिल किया था उसका हिसाब से अभी वो लोग करेगा ही बोलता है। अभी तो पूरा मतलब डैम तो पूरा कंप्लीट हो कि अभी जा रहा है इसलिए तो हम लोग जो गांव वाला के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम हैं बिचुम बस्ती जहाँ जो कि वन ऑफ द विलेज है ये जो का है 600 मेगावाट से इफेक्टेड है। तो हम सीधे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है लाली जी ना उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नेपको के द्वारा उन्हें ये बस्ती के लोगों को क्या फ़ायदा और साथ ही साथ क्या नुकसान भी हुआ। तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रीमती रीना लाली एक्स जेपीएम सिंचोंग अंचल ब्लॉक और मैम इफेक्टेड एरिया बिचुम का है। और यहाँ में हम लोग का निपको आके चलो आरएनआर तो हम लोग को दिया लेकिन हम लोग को बहुत कुछ लॉस भी हुआ है। हम लोग का यहाँ में जो हम लोग का लैंड इफेक्टेड है लैंड लोग जो ले गया है हम लोग को कोई कोई तो हम लोग को अभी मेजरमेंट भी हुआ नहीं। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भी किया मेजरमेंट दो बाउंड्री भी हम लोग को कुछ ठीक ठाक नहीं है और जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और हम लोग का यहाँ बिंजुरी से यहाँ रोड भी बहुत ख़राब है। रोड के लिए भी हम लोग ने बहुत बोला रोड भी हम लोग को नहीं बना दिया। और हम लोग का ये अभी हम लोग का बच्चा एजुकेशन पढ़ रहा है लिख रहा है वो लोग के लिए अभी तक हम लोग को कुछ नौकरी भी नहीं दिया। अभी 4-5 आदमी को दिया है वो तो हम लोग के लिए कैपेबल भी नहीं है क्योंकि इतना हम लोग का यहाँ में अपना जो इफेक्टेड एरिया अपना जगह को हम लोग ने डोनेट करके वो लोग को दे के भी हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोग को नौकरी में भी हम लोग इतना डिमांड करता है नौकरी भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग का जमीन उमीन तो सब ले लिया 600 मेगावाट ए बोल के कहे पीछों में बोल के हम लोग दुनिया पहचानता है दुनिया मालूम है लेकिन आज का डेट हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं। वो हम लोग यहाँ जो बीच यहाँ का आरएनआर जो हम लोग रहता है यहाँ का इफेक्टेड एरिया जो यायोंग बिचोम जितना भी हम लोग को बुरा गांव खेमी जो भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को भी अपना राइट को दो। हम लोग का जितना बच्चा लोग अभी पढ़ रहा है हम लोग को भी नौकरी दो और हम लोग का रास्ता अच्छा कर दो हम लोग ये उम्मीद करते हैं लेकिन अभी तक हम लोग को उम्मीद खो चुका है। हम लोग को कुछ कर दे रहा है नहीं। अभी कमीशन भी होने जा रहा है हम लोग को कुछ भी आता पता नहीं रखता है ये लोग इसलिए हम लोग अच्छा नहीं लगा। हम लोग बहुत दुख है बस्ती वाला हम लोग के लिए तो अभी ज़मीन तो हम लोग ने चलो डोनेट तो दिया है तो हम लोग ज़मीन दिया तो उसके लिए भी हम लोग को भी कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। फ़ायदा नहीं होगा तो कैसे दूसरा अभी हम लोग का जो हेक्टर में वो लोग ने ले गया वो भी हम लोग को इतना कम पैसा में हम लोग को ले गया। हम फिर भी हम लोग ने सोचा हम लोग को नौकरी तो देगा सोचा नौकरी भी अभी तक हम लोग को कुछ नहीं दिया। जब भी हम लोग मीटिंग करता है कुछ बोलता है निको वाला बार बार हम लोग को झूठ बोलते रहता है कभी किया है कभी उधर से नहीं आया ये लोग का पावर में नहीं है बोल के कितना झूठ बोलते रहता है। नमस्कार सभी को। अभी हम हैं कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
600 मेगावाट की, हाँ बिछुम पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ डैम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं कह दूँ कि 2002 को यहाँ बुरा गांव में फाउंडेशन लेट डाउन किया गया था, उसके बाद अभी 17 साल के बाद ये ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ के लोग का ये कहना है कि उनका जो एमओयू और साथ ही जो नेपको और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया था, प्रोमिसज रखा गया था, वो अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। हमने हमारा जर्नी शुरुआत किया था ईटानगर से, तो मैं बता दूँ कि रास्ता ख़राब के कारण यहाँ करीबन 2 दिन लगे हमें बिछुम पहुँचने के लिए। और जैसे कि यहाँ के लोग का वही डिमांड था कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न नेपको अथॉरिटी से कि यहाँ जो उन्होंने जो आश्वासन या प्रॉमिस किया था यहाँ के लोगों की कि वो जॉब दिलाएंगे यहाँ के लोकल पीपल को, और साथ ही यहाँ पिंजुली से लेकर बिछुम तक का रोड कंस्ट्रक्शन कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम जब ईटानगर से यहाँ बिछुम पहुँचे हैं, अभी देखकर हमें ये लगता है कहीं ना कहीं जो 20 साल या 17 साल का प्रॉमिस जो कंसर्न अथॉरिटी और नेपको की तरफ से ये फेल होते हुए देख रहा है। कैमरा पर्सन अनिल लम्ग्यू के साथ सांगे ड्रामा अरुणाचल टुडे बिछुम। अभी जैसे हम है कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऑफिस पे, जहां हमने यहां के जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट से मिले और उनसे हमने जानने की कोशिश की जो 2 डिमांड जो अफेक्टेड पीपल जो ये काहेब 600 मेगावाट को लेकर जो अफेक्टेड पीपल है उनकी तरफ से जो डिमांड था उनको लेकर हमने यहां पे जानने की कोशिश की कि वो जो 2 डिमांड वो है पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो उसके रिलेटेड उनका यही कहना था, मैं बता दूं जो HOP है वो ये उनका हिसाब से वो नहीं आए हैं और उनका नाम SR विश्वास है और उनका यही कहना था कि उन्हें हायर अथॉरिटी से परमिशन नहीं है कोई भी मीडिया इंटरेक्शन करना, और उनका वही कहना था कि वे नहीं हैं और अगर चाहे तो वो जल्दी ही इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए या जो अफेक्टेड पीपल है वो जल्दी ही रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू मीडिया। ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। ये कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का है, ये हमारे एरिया में किमी एंड बिछुम एरिया में 2002 में स्टार्ट हुआ था। जितने ग्राउंड वर्क है जो भी है 2002 में स्टार्ट हुआ था। इनिशियली जो किमी में जो पावर हाउस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं दिया गया हमारे आदमी को, ये कह के कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में, जबकि वहाँ पे सदियों से हमारे लोग खेती वेती करके आए हैं, पहले से झूम कल्टीवेशन जो पिछले का इतिहास गवाह है वहाँ में, हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया। लेकिन नेपको ऑफिशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि आपको जॉब मिलेगा, आपका सारा जो इंटरनल रोड से वो बन जाएगा और बहुत काफ़ी सारे प्रॉमिस किए थे। उन लोग का ये भी कहना था कि इतना जॉब मिलेगा कि आप लोग को कि आप लोग भर भी नहीं पाएगा, इस तरह से हमें दिलासा दिया गया था। तो वी हैड वेरी हाई होप्स। तो इनिशियली जब स्टार्ट हुआ देखते गए तो जितना उन्होंने वादा किया था वो बिल्कुल उन्होंने देना बंद कर दिया, स्पेशली इन जॉब। तो ये मुद्दा जो है ये वहाँ के मतलब क्योंकि ये किमी और बिछुम एरिया में सीमित है, किमी बिछुम जामरी एरिया में और आपका थेसा यायोंग एरिया, ये अफेक्टेड एरिया है, ये 4 जगह है जो अफेक्टेड है प्रोजेक्ट से। तो इनिशियली वहाँ पे इन लोग का एक फोरम बना था कि अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट एक्शन कमिटी बोल के इनको नेपको के साथ जो भी हो उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन इनको बार बार नेपको की तरफ से लेकेडाइजल एटीट्यूड, उनके तरफ से झूठा वादा, वो सब देखे इन्होंने फाइनली हम लोग को अप्रोच किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखा इलाज सोसाइटी एक अम्ब्रेला कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ये पूरे रूसो कम्युनिटी के। तो हम लोग ने एस अर्ली एस 2016 से हम लोग ने एक केस टेकअप किया है। टेकअप करने के बाद में आपको मैं मुद्दा मेन मुद्दा बताना चाहता हूँ कि हमारा मेन मुद्दा 3 है। एक है आपका जॉब के मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग के प्रोजेक्ट में सिर्फ 69 जॉब को उन लोग ने रेगुलर किया है, वो भी CND में। बट अगर नेशनल पावर पॉलिसी के बाद अगर हम देखें तो अगर जो रेशियो है पर मेगावाट उसको अगर देखें तो भी 1000 से ज़्यादा बनता है हमारा जो हमको मिलना चाहिए, बट वी आर नॉट आस्किंग फॉर डैट। हम लोग ने नेपको अथॉरिटी से ये बोल के हम लोग ने अप्रोच किया कि आप कम से कम हम लोग को 300 जॉब दीजिए, 300 जॉब दीजिए CN कैटेगरी में, नॉट टेक्निकल जॉब्स। क्योंकि आप देखेंगे तो उनका जब भी हम उनको जब ये बताते हैं तो उन लोग ने बार-बार एश्योरेंसेस, वो लोग ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से टोटली बैन कर चुका है। लेकिन हम लोग जब उनसे पूछा कि ठीक है हम लोग तो आपको 2004 से आपको हम लोग लेटर दे रहे थे जॉब के बारे में, अपील कर रहे हैं आपसे, ग्रीवांस मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं, हर बार आप लोग ने कहा है कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बैन है और उन लोग को आप लिख रहे हैं। लेकिन आज 2002 से आज 17 साल हो गया है, जब भी हम उनको मिलते हैं उनको जब भी हम कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें कुछ प्रोवाइड कीजिए जिसके तहत आपके
NEEPCO कॉर्पोरेशन तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमारे जो डिमांड है जॉब का उसके बारे में आपने कुछ लिखा है कि नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन वो लोग आज तक एक भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दिखा नहीं सका है। उन लोग का सिर्फ ऊपर एक हाई लेवल में बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से बैंड है, उनके मेन पावर एक्सेस हो गया। इस बात में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट एरिया और प्रोजेक्ट ऑफिस में या बीचम डैम कॉम्प्लेक्स में आप जाके देखोगे तो इवन CND जो मैनुअल जॉब्स है, जो क्लरिकल जॉब्स है, जो मल्टी टास्किंग सर्विस जिसे कहते हैं, उसको भी वो लोग क्या करते हैं कि बाकी उनके जो NEEPCO के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ से वो ट्रांसफर करके लाते हैं एंड देन दे गिव अस द एक्सक्यूज दैट देयर इज नो वैकेंसी। नाउ फ्रॉम 2002 टिल 2019 इज 17 इयर्स ऑफ स्ट्रेच ऑफ स्ट्रगल of the poor affected people. Now, in between that, from since 2002, then 2004, in between that, there has been so many meetings and then so many assurances from the NEEPCO saying that we will fulfill your demand of, we will make the road for you, we will give you umpteen number of jobs as you are entitled because you are affected people. Now, people have been, because they were assured verbally, and NEEPCO knowing that there are no people to question about any documentation or any acknowledgement in written, therefore they have been given only they have been giving the poor people only the verbal assurances. Now they have been telling till 2018, they have been telling that we will repair the road for you, we will make the black carpeting for you. Now in 2018, very interestingly, all of a sudden the NEEPCO, when it was the, there was a meeting in the presence of CMD and the Chief Secretary of Government of Arunachal Pradesh, the NEEPCO very interestingly brings out a topic saying the road does not belong to us. We will be able to construct it or make the carpeting of the road only if the state government hands it over to us. This has created great chaos and confusion between the people and the state government, among the citizens. Now, because till now they've been saying that we will make the road for you, and then they have not even given the compensation in lieu of promise that they will be making the road. Now 2018 in January they say that the road is not ours. So this points towards their play, what the poor people will not be able to understand. So this calls for real investigation and some thorough in-depth intellectual research into this. Now this is the 2018. Now that is why if whenever the press calls for, we are ready to give the document proof in the minutes of meeting held in the January 2018 I'm telling you about. Now in the same year, in the month of April, on 4th there was a meeting at Assam, Tejpur. Now we had requested, the local people had requested, affected people, we shall have the meeting at the project site, that is Kimi. But the CMD and his people, citing various reasons, they said no, let's have a meeting at a neutral place in Tejpur. So we really don't know what they mean by neutral place Tejpur, and we were called all over there to have a meeting. On that day, you can very clearly see at clause number 5, you can see that they have said we will do the black carpeting immediately. As soon as this meeting is over, we will do it immediately wherever there are human habitation, especially in naming the villages, Kimi, Kuppi, the affected areas, Bichum, etc. That is in 2018. In the month of April. Now 16 months have passed. This is August 2019. They have not done anything. The road condition is still as of its initial stage. So these are the only two examples, apart from so many excerpts that we have, how the NEEPCO people have been dragging on the matter. They simply want to procrastinate the demand of the people, and they want to take the people along, just giving them one or the other silly reasons, because the people are not intellectual enough to question. I mean, I wouldn't say intellectual, but they are not aware technically of this matter. They because no one is into the hydroelectric, what is engineering, what is penstock, what is dam, now what is turbine, they don't know anything. So poor people do not have any resources or source to come to question them. That's why they give any reasons, and then they say they simply drag on the demand, and then because they are in the urgency of they want to commission the project. So these are the only two things. And then recently, if I may also point towards the fact that we have also written to the Ministry of Power, Government of India, describing our grievances, that this is the job demand, this is the road demand, you kindly look into this one. So we have requested for his kind intervention. Now the Honorable Union Minister of Power has directed on 16th of August, he has said, directed to the GM of GM HR of the NEEPCO Shillong, that within 30 days you have to bring a resolutions, whatever resolution you provide, make it notified to the applicant or the complainant of the project affected, as well as upload it to the portal, because we have sent through the centralized public grievances portal. Now recently, again on 17th of August,
They have said the Chief Secretary of Arunachal Pradesh has visited the site for a pre-inspection of before the commissioning. Now NIPCO people has not given any information, any not even a small hints about that the Chief Secretary is coming to the villages, to the affected people. Otherwise, they would have thought in their mind, the poor people, that कम से कम एक इतना बड़ा ऑफिसर आ ही रहा है हमारे गांव में. इट्स आवर कर्टेसी टू वेलकम हिम विद अ गुड रिसेप्शन, बट दिस चांस वाज आल्सो नॉट गिवन बिकॉज दे वांटेड टू हश अप एवरीथिंग. दे वांटेड टू सेंड फ्रॉम द टेबल ऑफ डिस्कशन इटसेल्फ, बट समहाउ वी गॉट द न्यूज़ एंड वी कुड मैनेज टू सबमिट अ मेमोरेंडम टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो सेइंग दैट रिक्वेस्टिंग हिम टू काइंडली इंटरवीन इन टू दिस मैटर एंड देन एक्सपेडाइट आवर डिमांड. So this is the stage right now, and apart from this, the people are really angry and they are really saddened of the how the NIPCO has played game with them. And then the poor people are telling, what if they do not fulfill our demand? It's their promise. Still yet, if they are not able to comply to that, we will be left with no other choice except democratic agitation, even if it is at the cost of our lives. So this is what we have till now.